स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे AS कोचिंग सेंटर में। जैसा कि इधर लगातार आप सबके लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप में से कुछ बच्चों ने ये कहा था मैम RDA करा दीजिए, RDA से भी रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा बना दूँगी। और पिछला जो वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे टेलीग्राम पर फिर से शेयर कर दूँगी, आप सब ज़रूर देखिएगा, आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो हम आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए या फिर मेंटली सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। ड्यूओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार डैश द्वारा होता है। तो ड्यूओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार विटामिन डी के द्वारा होता है, ऑप्शन डी सही होगा। आप देख सकते हैं DSSP PGT 2018 का क्वेश्चन है। ड्यूओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार विटामिन डी के द्वारा होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रेटिनॉल है। और विटामिन बी की बहुत बड़ी फैमिली है, फिर भी विटामिन B1 का नाम मैं बता देती हूँ कि थायमिन होता है। और ये बेरी बेरी रोग में इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाती है, थायमिन की कमी से। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है। आप चाहें तो जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ रही हूँ तब तक आप अपने पेपर एंड कॉपी पे ऑलरेडी आंसर टिक कर सकते हैं, बाद में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी लेके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं लाइव आके प्रैक्टिस सेट कराना चाहती हूँ, बट मजबूरी ये है कि यूट्यूब वाले पहले बोल रहे थे कि आप 50 सब्सक्राइबर कर लीजिए फिर आपको लाइव का चांस मिलेगा, फिर बोले 250 कर लीजिए फिर लाइव का चांस मिलेगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि 90 दिन कर लीजिए फिर आपको लाइव का चांस मिलेगा, बट अब वो बोल रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर होने पे ही सेफली लाइव कर्स किया जा सकता है। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अभी लाइव नहीं आया जा रहा है। जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप सबके लिए लाइव क्लासेस एंड लाइव प्रैक्टिस सेट जरूर लाया जाएगा। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुत आयत में पाया जाता है? तो गाजर, अमरूद, करौंदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस में विटामिन ए बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है, ये सब आप सब ने ऑलरेडी रट्टा मारा होगा, गाजर में। तो गाजर में विटामिन ए बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए केवल प्राणी या भोज पदार्थों में पाया जाता है और वनस्पति भोज पदार्थों में कैरोटीनाइड्स होता है, जो कि शरीर में जाके विटामिन ए में परिवर्तित होता है। कैरोटीनाइड्स को प्रो विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए को हम प्रो विटामिन भी कहते हैं। और वनस्पति जो लोग शाकाहारी होते हैं ना, उनमें थोड़े विटामिन ए की कमी के ज़्यादा हो सकता है कि हाँ उन्हें कमी हो सकती है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं में विटामिन ए की मात्रा डैश के रूप में परिकलित की जा सकती है। तो धातुओं में विटामिन ए की मात्रा किस रूप में परिकलित की जा सकती है? रेटिनॉल प्लस वी कैरोटीन इंटू 0.25, कैरोटीन इंटू 0.25, रेटिनॉल इंटू 0.25 एंड कैरोटीन इंटू 0.15। ये DSSP PGT 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम किस क्वेश्चन पे थे? हाँ, धातुओं में विटामिन ए की मात्रा डैश के रूप में परिकलित की जा सकती है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? विटामिन ए 0.25 रेटिनॉल इंटू 0.25। धातुओं में विटामिन ए की मात्रा रेटिनॉल इंटू 0.25 के रूप में परिकलित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विटामिन निम्न में से किस किसी सॉरी
निम्न में से कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ साफ साफ पूछा जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। जैसे कि मैंने बहुत बार पहले भी इसका आंसर बता चुका है और विटामिन से रिलेटेड मैंने इतने अच्छे अच्छे क्लास दिए हैं ना कि अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जैसे कि आंसर ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मुख्यतः वृद्धों में होता है एंड ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। मतलब जो जवान होते हैं युवा होते हैं ना युवा में ऑस्टियोमलेशिया होता है एंड वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है और बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है कि नसें कमजोर एवं भुरभुरी हो जाती है और जरा से चोट लगने अथवा गिर जाने पर टूट जाती हैं और टूटी अस्थियाँ जल्दी जुटती नहीं है। इस स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एंड ऑस्टियोपोरोसिस मुख्यतः दो कारणों से होता है, एक हार्मोन की कमी होने के कारण एंड दूसरा होता है आहार में विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी के कारण। तो ऑस्टियोपोरोसिस हार्मोन की कमी के कारण भी होता है एंड विटामिन डी की कमी के कारण भी होता है, विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी के कारण होता है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? तो शिशु के हड्डियों एवं दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करेगा? यहाँ पे जैसे कि आंसर पहले इंक्लूड कर दिया गया है विटामिन डी, ऑप्शन बी सही होगा। शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से विटामिन डी काम करता है और इस विटामिन को कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताएं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया था विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताएं क्या है? स्कर्वी है, रिकेट्स है, अनीमिया है या रतौंधी है? तो ये TGT झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम है रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है और इसकी कमी से बच्चों में रतौंधी हो जाती है। रतौंधी में क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं और ये रात में या फिर अंधेरे में नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विटामिन ए की कमी से पथरी और अमाशिया में फोड़ा भी होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। जैसा कि आप देख रहे हैं GIC कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? ये क्वेश्चन GIC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो कौन सा आंसर होगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। उष्मा तथा जल की किरणों से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। इस विटामिन से युक्त भोज्य पदार्थों को अधिक पकाने से इसकी काफ़ी मात्रा नष्ट हो जाती है एवं फलों के संरक्षण में भी इसकी मात्रा नष्ट हो जाती है। अगर हम फलों को संरक्षित करके रखते हैं जिसमें कि विटामिन सी अवेलेबल है तो उस फल में विटामिन सी का छिड़ता हो जाएगी। विटामिन सी की कमी से नाभिक रोग भी होता है। विटामिन सी की कमी से नाभिक रोग भी होता है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड तो कहते ही हैं लेकिन साथ में हम इसे स्टोन विटामिन भी कहते हैं। स्टोन विटामिन भी कहते हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है?
जैसे कि यहाँ पे आंसर ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है, तो स्कॉर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्वी बीमारी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्विक एसिड। विटामिन सी के रासायनिक नाम है स्कॉरिक एसिड। विटामिन सी गंधहीन, पानी में घुलनशील, आग से प्रभावहीन एवं सफ़ेद खादार पदार्थ है। क्षार, ताप, प्रकाश एवं तांबा धातु की उपस्थिति में यह शीघ्र ऑक्सीकृत होता है। इसके प्राप्ति के साधन है आंवला, अमरूद। इसके सबसे अच्छे गुण के स्रोत है खट्टे रसीले फल, ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज एवं दाल इसके अच्छे साधन है। केले में भी यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कार्य है कोलेजन का निर्माण एवं उचित अवस्था में रखने का कार्य विटामिन सी का है। साधारण कोशों में संयोजन तत्वों को कोलेजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह सेल्स को पारस्परिक संबंध करने का साधन है। यह घाव भरने में भी सहायक होता है, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है। तो कौन रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो जैसे कि यहाँ पे रक्तस्रावी बोला है और इसे रक्त स्कंदन के रूप में भी पूछ लेता है, तो विटामिन के ऑप्शन डी सही होगा। ये रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है, रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये रक्त में प्रोथेम्बिन होता है, प्रोथेम्बिन रक्त जमाने के लिए आवश्यक होता है। इसका निर्माण विटामिन के द्वारा होता है और रक्त जमने में प्रोथेम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है। जैसा कि मैंने बहुत इसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है और वेरी वेरी रोग निरोधक है। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सही है। विटामिन B1 किसका निरोधक है? तो वेरी वेरी का निरोधक है और यह DSSB TGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन B1 जिसे हम थायमिन भी कहते हैं, थायमिन की कमी से प्रभाव, जब पर्याप्त मात्रा में थायमिन युक्त आहार का सेवन नहीं किया जाता है तो अभाव में बेरी-बेरी रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं भूख न लगना, पाचन प्रणाली गड़बड़ होना, चक्कर आना, शीघ्र थकान, सांस फूलना, सिर दर्द, पेट दर्द इत्यादि। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है कौन सा विटामिन है? विटामिन B12, विटामिन सी एंड विटामिन 6 एंड विटामिन ई। ये UPLT जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है वो विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी लोहे का शोषण छोटी आंत के पक्वाशी एवं जेजुम वाले भाग में होता है। जो भोज्य पदार्थों में उपस्थित लोहा पाचन के बाद फेरस के रूप में बदल जाता है। लोहे का अवशोषण आंत में फेरस रूप में ही होता है। लोहे का अवशोषण अम्लीय माध्यम एवं विटामिन सी की उपस्थिति में सुगमता एवं शीघ्रता से हो जाता है। प्रारिज्य स्रोतों से प्राप्त लोहे का अवशोषण सुगमता से हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में भोज्य तत्वों से प्राप्त लोहे का अवशोषण 10% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो D3, D2, डी एंड D4। तो ये तो आप सबका क्लियर होगा और इससे पहले भी बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। तो विटामिन D4 प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील है, इसे अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, विटामिन डी टू एंड विटामिन D3। विटामिन D2 यह पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसे ऑर्गेस्ट्रॉल या प्रो विटामिन भी कहते हैं। एंड विटामिन D3 इसे सेवन डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कोलेस्ट्रॉल है, लिखने की जगह कम है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि मुझे बोर्ड मिल जाए। इसे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं।
विटामिन डी थ्री को 7-डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहते हैं एंड विटामिन डी टू को ऑर्गोस्ट्रॉल भी कहते हैं, और प्राकृतिक में विटामिन डी फोर नहीं पाया जाता है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेलेग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? राइबोफ्लोविन, फॉलिक एसिड, नियासिन एवं कैल्शियम। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार कराया जा चुका है और ये UPLT 2018 में पूछा जा चुका है। तो पेलेग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, नियासिन की कमी से। नियासिन को पेलेग्रा विरोधक विटामिन भी कहते हैं। नियासिन के लगातार कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलेग्रा को 3DS रोग भी कहते हैं। पेलेग्रा को 3DS रोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें तीन लक्षण पाए जाते हैं जिसके प्रथम अक्षर डी होते हैं, जैसा कि अतिसार, त्वचा का रोग, चर्म रोग या फिर पागलपन। तो इसको इंग्लिश में इसके सारे नाम जो है वो सबके फर्स्ट अक्षर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FMNOFADSA को एंजाइम है, ऐसे को एंजाइम है जो प्राप्त होते हैं राइबोफ्लोविन से, थायमिन से, पायरिडॉक्सिन से, एंटनियाशिन से। तो FMN एवं FAD कौन से कोएंजाइम हैं जो किसे प्राप्त होते हैं? और ये UPLT 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइबोफ्लोविन। FMN एवं FAD ऐसे एंजाइम हैं जो राइबोफ्लोविन से प्राप्त होते हैं। राइबोफ्लोविन विटामिन समूह का एक विटामिन है, यह जल में घुलनशील विटामिन है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है और यह विटामिन B2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो आसानी से नष्ट हो जाता है कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन ई एंड विटामिन के। तो कौन सा विटामिन है जो आसानी से नष्ट हो जाता है? तो आप सब बड़े ही अच्छे से जानते होंगे और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि विटामिन आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी है जो कि आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन बी एंड विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं इसलिए आसानी से नष्ट हो जाते हैं, विटामिन सी के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी के अभाव में एस्कॉर्बिक रोग हो जाता है। एस्कॉर्बिक रोग का आक्रमण सैने सैने होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है? तो कौन सा पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक अम्ल एवं एमिनो अम्ल। तो पोषक तत्वों के अवशोषण में कौन सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन सी। जैसा कि ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो पोषक तत्वों के अवशोषण में विटामिन सी सहायता करता है। विटामिन सी पोषक तत्व लौह तत्व एवं अवशोषण में सहायता करता है। लोहे का शोषण छोटी आंत के पक्वाशय के जेजुनुमा वाले भाग में होता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित लोहा पाचन के बाद फेरस के रूप में बदल जाता है, जैसे कि मैंने इसके पहले ही आपको बता चुकी हूँ। लोहे का अवशोषण आंत में फेरस के रूप में ही होता है एवं लोहे का अवशोषण अम्लीय माध्यम में विटामिन सी की उपस्थिति के सुगमता से शीघ्र होता है, मतलब जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी प्रकट होने वाले सबसे पहले लक्षण निम्नलिखित में से कौन है? ये सारे ही विटामिन ए की कमी से होते हैं। जीरोफिलेथेमिया, केराटोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया एवं रतौंधी। ये सारे ही विटामिन ए की कमी से होते हैं, लेकिन विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सा लक्षण है जो सबसे पहले दिखता है? तो जैसा कि इससे पहले भी क्वेश्चन में कराया जा चुका है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण रतौंधी है। रतौंधी की स्थिति में अंधेरे या कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। साथ ही रोशनी में अंधेरे में जाने पर, तेज धूप में से आने पर आंखें चौंधरिया जाती हैं और कम दिखाई देता है। यह रतौंधी का प्रारंभिक लक्षण है। विटामिन ए की कमी के अन्य लक्षण इस प्रकार है, जेरोप्लेथेमिया, बीटा का धब्बा, जेरोसिस कंजंक्टिवाइटिस, जेरोसिस कॉर्निया एवं केराटोमलेशिया आदि। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है, ए बी सी एंड डी। तो मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, विटामिन डी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है, इसे रिकेट्स विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। यह कैल्सीफेरॉल डी2 तथा कोलकैल्सीफेरॉल डी3 दो रूपों में पाया जाता है। जैसे कि हम सूर्य के किरणों में जाते हैं तो ये हमारे शरीर में सूर्य के किरणों से अपने आप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था, मैकाले ने, कोलिन ने, फंक ने या फिर शिशिर ने। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था, तो विटामिन शब्द का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन शब्द का आविष्कार फंक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन सक्रिय कार्बनिक तत्व है जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। ये शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं। विटामिन शब्द की खोज का श्रेय पोलैंड वैज्ञानिक कैश्मीर फंक को जाता है, ये पोलैंड के वैज्ञानिक हैं। विटामिन शब्द वाइटल अमीन से बना है, पूछा जा सकता है विटामिन शब्द किससे बना है, वाइटल अमीन से बना है। बाद में अंग्रेजी का अंतिम अक्षर ई निकाल दिया गया और विटामिन शब्द का सृजन हुआ था। ये वाइटल VITAL वाइटल AMINE इसी ई को निकाल दिया गया तो ये मिल के विटामिन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विटामिन बाजपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। ये आप सबको बड़े ही अच्छे से पता होगा ADEK, तो आप सब बड़े ही इजली आँख बंद करके ई को टिक कर देते होंगे। तो बाजपन रोकने वाली औषधि के रूप में विटामिन ई को जाना जाता है। यह विटामिन रासायनिक रूप से टोकोफेरॉल है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं वायु प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है। यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी की तरह क्रिया करता है। विटामिन ई का मुख्य कार्य ऑक्सीकरण प्रतिरोधी विशेषता का कारण है। यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर आंतों में विटामिन ए व कैरोटीन को ऑक्सीकरण कम करता है। इस तरह कहा जा सकता है कि यह विटामिन ए को बचत करता है, यह विटामिन ए की बचत करता है। विटामिन ई की कमी से प्रमुख रूप से प्रजनन अंग ठीक से कार्य नहीं करते हैं। स्त्रियों में भ्रूण गर्भावस्था में ही मर जाता है तथा पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं टूट फूट होने के कारण शुक्र उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्निशियस एनेमिया एक बीमारी है जो देती है विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B6, विटामिन B2 एंड विटामिन B12। किसकी कमी से पर्निशियस एनेमिया होता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये TDT उत्तराखंड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन होगा विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनेमिया हो जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्टमिन। विटामिन B12 में ही कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 के कमी के कारण पर्निशियस अल्पता होता है जिसके कारण मानसिक रोग हो जाता है तथा मानसिक गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाते हैं। इसका निवारण भी विटामिन B12 के सेवन से ही होता है। लक्षण मुंह में छाले पड़ जाते हैं, त्वचा पीली पड़ जाती है, नाड़ी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखाता है। तो खाद किण्वन के दौरान कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखाता है, ए बी ग्रुप, सी एंड लौह तत्व। तो कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखाता है, तो ये है ऑप्शन बी ग्रुप। विटामिन B एंड विटामिन C खाद किण्वन के दौरान अधिकतम बढ़ोतरी होती है इनकी। विटामिन B एंड C जल में घुलनशील होते हैं, यह अनाजों में पाए जाते हैं। खाद किण्वन के दौरान पोषक तत्वों में इनकी बढ़ोतरी अधिक होती है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण रोधी है, तो कौन है, थायमिन, विटामिन B12, विटामिन E एंड विटामिन K। तो यह एक एंटीऑक्सीकरण रोधी है। यह TGT राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है।
ये राजस्थान के पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए लैब असिस्टेंट वाले। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ई। ई वॉन और विशप ने ई वन और ई वन और बिशप ने यह प्रतिपादित किया कि चूहों की प्रजनन शक्ति के लिए विटामिन ई आवश्यक है। इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वायु एवं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह ऑक्सी प्रतिरोधक की तरह क्रिया करता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण रोधी है। और ये किसने बताया था? तो ई वन और बिशप ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉर्निजिलोसिस सूखापन डैश की कमी एक रोग विशेषक चिन्ह है। तो विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी एंड विटामिन डी। ये भी टीडीटी राजस्थान का पूछा गया क्वेश्चन है। तो कॉर्निजिलोसिस सूखापन किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। कॉर्निजिलोसिस सूखापन विटामिन डी की कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है। इसे रिकेट्स विरोधी विटामिन डी भी कहते हैं। कार्य है, यह लंबे समय में हड्डियों के निर्माण में सहायक तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सीरम विटामिन डी स्तर उपलक्षण सब क्लिनिकल विटामिन डी की कमी का प्रतीक है। तो क्या है ये? यूजीसी नेट थर्ड पेपर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीरम विटामिन डी स्तर उपलक्ष विटामिन डी की कमी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है? यकृत, अग्नाशय, दूध और सब्जियों को देर तक पकाना, दूध और अनाज को देर तक पकाना। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि रूपांतरण इंद्रियों द्वारा, यहाँ पे इंद्रियों द्वारा यानी शरीर के अंदर पूछा जा रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। बचा यकृत एवं अग्नाशय। तो आप सभी जानते हैं कि यकृत में जाके विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन ए के अवशोषण हेतु पर्याप्त मात्रा में पित्तरस का रहना आवश्यक होता है। शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में यकृत में होता है, यकृत में करता है। परंतु अगर यकृत के रोग, यकृत को सिरोसिस पीलिया हेपेटाइटिस बी की दशा में पित्तरस का पर्याप्त श्रावण नहीं हो पाता है, तब विरट बीटा कैरोटीन एंजाइम की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित होता है तथा इसका संग्रह यकृत में होता है। परंतु बीटा कैरोटीन के अवशोषण के लिए ये चीज़ें आवश्यक है। कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तित होना, पित्तरस का क्रियाशील होना एवं वसा की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। टोकोफेरॉल प्रति आर्द्रता एंटीकैनिंग, प्रति ऑक्सीकरक एंड प्रति जीवाणु एंड विटामिन। क्या है टोकोफेरॉल? इसका हमें कूट में आंसर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कूट इंक्लूड नहीं किया है, आप अपने अनुसार कूट बना लीजिए। जैसा कि मान लीजिए कि 2 और 4 ऑप्शन ए कर लीजिए, ऐसे ही ऑप्शन बी बना लीजिए, ऐसे ही ऑप्शन बी बना लीजिए, 1 और 3 का सी बना लीजिए आप, 4 एवं 1 का एंड डी बना लीजिए आप, 3 एवं 4 का। तो टोकोफेरॉल क्या है? तो टोकोफेरॉल है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एवं 4। टोकोफेरॉल प्रतिऑक्सीकरण एवं विटामिन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम ही टोकोफेरॉल है। सन 1936 में
सन 1936 में इनवास एवं उनके साथियों ने गेहूं के भून के तेल से विटामिन ई को शुद्ध रूप से अलग किया तथा इसके रासायनिक संरचना के अनुरूप इसका नाम टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल ग्रीक शब्द टोकोस तथा फेरॉल से बना है। टोकोस का अर्थ है शिशु को जन्म देना एंड फेरो का अर्थ है संपन्न करना तथा ओल एक एल्कोहल है। टोकोफेरॉल के कार्य है आरबीसी के निर्माण में कोशिकाओं के संरचनात्मक एकता को बनाए रखना और ये प्रजनन में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन 2 नंबर एंड 3 सही होगा, प्रतिऑक्सीकरण एवं विटामिन। आज के आपको वीडियो कैसे लगे, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।